लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का निर्वाचन अब महज उसे 15 दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार कर रही है। ऐसे प्रचार प्रसार के दौरान एक वीडियो वारसुनी क्षेत्र के ग्राम घोटी का यह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें एक किसान के द्वारा प्रचार वाहन के वाहन चालक से कहा जा रहा है कि उनके गांव में वह किसी भी पार्टी के प्रचार प्रसार के वाहनों को आने नहीं देंगे जब तक सरकार के द्वारा धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये नहीं दिया जाएगा। तब तक वह कोई भी पार्टी के चुनाव प्रचार के वाहन को गांव में नहीं प्रवेश करने देंगे। हालांकि पद्मेश 24/7 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि अब महज 15 दिन ही शेष बचे हैं प्रथम चरण के निर्वाचन को, जहां 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियां बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में अपना प्रचार कर रही है। ऐसे प्रचार के दौरान एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जब तक धान का समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा 3100 रुपये नहीं दिया जाता, तब तक वह किसी भी पार्टी के प्रचार वाहन को गाँव में नहीं आने देंगे। यह वीडियो संभवतः बताया जा रहा है कि वारसुनी क्षेत्र के ग्राम घोटी का है, जहां पर एक किसान के द्वारा प्रचार वाहन को रोकते हुए कहा गया है कि वह पहले उन्हें समर्थन मूल्य का धान दिलवाए, उसके बाद ही वह गांव में वोट मांगने के लिए आए। हालांकि पद्मेश 24/7 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यहाँ कोई नेता की जीप आए जो गांव को अंदर में और नहीं तो दीपावली को बता दे जो सब नेता जितने की भाई खड़े ना उनका हाँ बस चर्चा अभी अरे हमारे देशों का बात करी थी किसान का भरो लेकर एक बार इलेक्शन मार दी हो ना तो इलेक्शन लेकर नहीं किसान कैसे है। मैं आपको गाँव में नहीं हर जिले में यह भी चर्चा चल रही है कि 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन बालाघाट होने जा रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं चलना भी शुरू हो गई कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी भारती पारदी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए 9 अप्रैल को बालाघाट आ रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं सीटों पर जाकर प्रचार करते हैं जहाँ पर भाजपा प्रत्याशी का जीतना लगभग तय माना जाता है। और राजनीतिज्ञों की माने तो इस बार बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी भारती पारदी का लोकसभा चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है, जिसको देखते हुए राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में भारती पारदी का जीतना भी तय है।